कल इस सारी विधि की जो साइंस है कल मैंने आपको बताया था, इसके साइंस की पूरी चर्चा होगी लेशा के अध्याय में जो परसों निर्वाण कल्याण के इस अनुत्तर देशना में चलेगा। एक व्यक्ति ऐसा होता है कि वो चलता और काम हो जाता है, और व्यक्ति ऐसा होता है कि चलता और काम बिगड़ जाता है। परमात्मा कहते हैं जिसकी शुक्ल लेशा होती है उसके बिगड़े हुए काम सुधरते जाते हैं, और जिसकी कृष्ण लेशा होती है उसके काम सुधरते सुधरते बिगड़ जाते हैं। लेशा चेंज करने के सूत्र हैं सारे। लेशा चेंज करने का सामर्थ्य किसी में है तो तीर्थंकर परमात्मा में है, वो सिद्ध परमात्मा में है। उनके लेशा हम ग्रहण कर सकते हैं, और उनके लेशा ग्रहण करने की ये विधि आपके साथ शेयर कर रहा हूं। कैसे करना है? सबसे पहले सारे पारिवारिक जन एकत्रित होकर गए, अपने मन में अपने परिवार की जो वहां लिखा हुआ नहीं वो सुनते चले जाएंगे। अपने परिवार की मंगल भावनाएं, अगला सूत्र पकड़ी जल्दी से, अगले साल में हम अपने परिवार को किस लेवल पर देखना चाहते हैं उसका दृश्य मन में लाना, उसको विजुलाइज करना। अकेले की बात नहीं है, किसकी बात है? परिवार की बात है। मैं मेरे परिवार को अगले साल में किस लेवल पर कैसा देखना चाहता हूं, और परिवार पूरा एक साथ उस भाव में डूब करके, और वो भाव वो सपना वो सोच वो मंजिल पूरी करने के लिए नमस्कार महामंत्र का स्मरण करना सबने एक स्वर में। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि परिवार के मीटिंग लेकर के तय करना पड़ेगा कि अगले साल का अपना प्लानिंग क्या है, और वो प्लानिंग कर करके फिर आपने कदम बढ़ाना है। मैं पूरी विधि आज पहली बार आपके सामने खुला कर रहा हूं। इसके पहले मैंने इतने गहराई से विधि नहीं दी, मुझे स्वीकार कर लेना चाहिए। परिवार की मीटिंग लेकर के तय करिए कि अगले साल आपने क्या प्लानिंग है, क्या टारगेट है, क्या मंजिल है, उस पर एकमत हो जाइए। और एकमत होने के बाद कैसे नौकार मंत्र का स्मरण करना उच्चारण करना ध्यान में रखिए। नमो अरिहंतानम बोलते समय सभी के मन में यह भाव होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य तीर्थ स्वरूप बनाने के लिए हम तीर्थंकर के शक्ति को ग्रहण करते हैं। नमो अरिहंतानम, वापस रिपीट कर रहा हूं बात को, हमारा लक्ष्य तीर्थ के समान है, उस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए शक्ति ग्रहण कर रहे हैं हम तीर्थंकर परमात्मा की। नमो सिद्धानम, इसका उच्चारण करते समय We all achieve the goal. हमने उस गोल को अचीव किया है। उस अचीव करने की, उस गोल को फुलफिल करने की सामर्थ्य हम अनंत सिद्ध परमाताओं से ग्रहण कर रहे हैं। नमो आयरियानम, उस गोल को अचीव करने के लिए जो प्रैक्टिकली एफर्ट्स लगाने हैं, वो एफर्ट्स प्रदान करने वाले, क्रिया शक्ति देने वाले, कार्य का सामर्थ्य देने वाले आचार्य भगवंतों को मैं वंदन कर रहा हूं। नमो वज्जायनम, हमारा ये लक्ष्य, हमारा ये गोल, इसकी अंडरस्टैंडिंग, इसकी समझ हमारी निरंतर बनाए रखने वाले उपाध्याय भगवंतों को मैं नमन कर रहा हूं। नमो लोये समसाहुनम, इस गोल को अचीव करने के लिए मैं दूसरों को गोल अचीव करने के लिए मदद करूंगा, और उनसे गोल अचीव करने के लिए मदद लूंगा। मैं सहयोगी बनूंगा और मैं सहयोग लूंगा। इस सहयोग देने की और लेने की कला जो सिखाते हैं उन सारे विश्व के साधु भगवंतों को मैं नमन करता हूं।
ऐसो पंच नमोकारो, इन पांच परमेश्वर को किया हुआ नमस्कार, मेरे सारे अतीत के सव पाव पनासनो, पाप का अतीत होता है, पाप का भविष्य नहीं होता है। पाप कैसा होता है? पाप की हिस्ट्री है, और पाप की हिस्ट्री मुझे समाप्त करनी है। इन पांचों को नमस्कार करते हुए मेरी जो पापों की मिस्टेक करने की, गलती करने की, मिसमैनेजमेंट करने की जो मेरी आदत है वो मैं समाप्त कर रहा हूँ। मंगलानम च सर्वेसिम परमम हवई मंगलम, ये पांच नमस्कार मेरे रास्ते पर मेरे परिवार को श्रेष्ठतम मंगल्य के अनुभूति कराते हैं। इन भावों के साथ नमस्कार महामंत्र का स्मरण करना। नमस्कार महामंत्र का स्मरण करने के बाद समो शरण का ध्यान कंपलसरी है। इस पूरी साधना का, इस पूरी विधि का प्राण तत्व कहीं पर है, वो है समो शरण का ध्यान। समो शरण का ध्यान करना, और ध्यान करते हुए ईशान कोण में तीर्थंकर परमात्मा को वंदन करना है पूरे परिवार ने। और पूरे परिवार को तीर्थंकर परमात्मा को वंदन करने के बाद जिनकी आपकी गुरु धारणा है, यदि आपने जिंदगी में गुरु धारणा ली हो तो, नहीं ली हो तो गुरु गौतम स्वामी अपने गुरु है। यदि किसी की गुरु धारणा आपने ली है तो उनको वंदन करना है। मैं नहीं कह रहा हूं आचार्य भगवंत आनंद ऋषि महाराज साहब, मैं कह रहा हूं जिनको, जिनकी आपने गुरु धारणा ग्रहण करी है। गुरु पर्सनल होता है, गुरु सोशल नहीं होता है। और वो यदि आपके पास है तो आपसे बढ़कर के सौभाग्यशाली कोई नहीं है। पर्सनल गुरु होना ही चाहिए, और नहीं है तो गौतम स्वामी को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते हुए उनको वंदन करना। और वंदन करने के बाद जहां पर आपको स्वस्तिक बनाना है उस गद्दी को बिछाने के पहले अरहम भूय हिम जान पड़िले सायम अरहम बोलेंगे क्या? अरहम भूय हिम जान पड़िले सायम, एक आचारांग सूत्र का मंत्र है, ये आगम का मंत्र है कि सारे संसार के जितने भूत जीव हैं उन सबकी मैं साता की कामना करता हूं, उनको मैं साता देना चाहता हूं। इस भावना के साथ पहले पुंजनी हो तो पुंजनी से, और पुंजनी नहीं हो तो आपके रुमाल, आपका धोती का किनारा, उससे वहां पर पहले क्या करना, झाड़ू से नहीं है, झाड़ू से नहीं, या तो पुंजनी या फिर रुमाल, इससे वहां का पूरा पलेवना करना। और पलेवना करने के बाद फिर ये मंगलाचरण की गाथाएं हैं, इस गाथाओं का गान करना है। इन गाथाओं का गान करने के बाद स्वस्तिक बनाना है। पहले गाथा का मंगल गान होगा और उसके बाद स्वस्तिक बनाएंगे। गादी बिछाते समय, गादी बिछाते समय ध्यान में रखना, श्वास अंदर लेते हुए गादी बिछानी है और श्वास अंदर रोक करके गादी बिछाने की प्रोसेस पूरी करनी है। श्वास छोड़ते हुए गादी नहीं बिछानी। जो सूत्र है वो पक्के ध्यान में रखिए, पूरे श्वास की तरफ ध्यान रखना कि मैं श्वास लेते हुए गादी बिछा रहा हूं, श्वास अंदर रोक करके गादी बिछाने की प्रोसेस पूरी हो रही है, श्वास छोड़ते हुए नहीं। और उसके बाद सभी जन मंगलाचरण करेंगे, और मंगलाचरण के बाद स्वस्तिक कैसे बनाना है उसका डिटेल वहां पर दिया हुआ है। स्वस्तिक को काटते हुए नहीं बनाना, ये तो इंदौर वालों को 96 से पता है, वो कोई नई बात नहीं। स्वस्तिक के मामले तो इंदौर वाले मास्टर हो चुके हैं कि स्वस्तिक काट करके नहीं बनाना, क्रॉस करके नहीं बनाना, ज्वाइन करते हुए बनाना। और बनाते समय जिस पर भी आपको बनाना है, बही पर, गादी पर, रुमाल पर, जिस पर भी आपको बनाना है, बनाते समय ध्यान रखिए
लिखा हुआ वहाँ पर है, लेकिन फिर भी क्लियर कर रहा हूँ। सुपार्श्वनाथ का स्मरण करना, नमो सुपार्श्वनाथ स, बोलिए नमो सुपार्श्वनाथ स, कि सुपार्श्वनाथ भगवान का जो लांछन है वो स्वस्तिक है, इसलिए उनको नमन करते हुए और श्वास लेते भी स्वस्तिक को बनाना है, श्वास छोड़ते हुए स्वस्तिक को नहीं बनाना है। और उसके बाद जब स्वस्तिक के बनने के बाद जब बिंदी बनाते हैं, चार बिंदु बनाते हैं, और उस समय श्वास को अंदर लेकर के रोकना है और रोकते हुए मन में नमो सिद्धानम बोलते हुए स्वस्तिक बनाना है। और स्वस्तिक बनाने के बाद भवतु स्वस्तिकम बोलते हुए परमात्मा के पांचों ही कल्याणों को, जन्म कल्याणक, चवन कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक और निर्वाण कल्याणक का स्मरण करते हुए अगला पाठ बोलेंगे। इच्छा करेणम संधि स भगवम सोहगम वधनाय आरहनाय उवठ्योमि तव पसायाय तव पसायाय तव पसायाय। अगला शब्द बोलना नहीं है, इच्छम जो शब्द लिखा हुआ है वो बोलना नहीं है, वो सुनना है। तीर्थंकर परमात्मा और गुरुदेव को वंदन करते भावना भा रहे कि आप, मेरी भावना है मुझे आज्ञा दो, मार्गदर्शन दो, आशीर्वाद दो, हम सौभाग्य वर्धन करने की आराधना करने के लिए उपस्थित हैं। क्या करना है? सौभाग्य का वर्धन करना है, सौभाग्य वर्धन की आराधना के लिए उपस्थित है। तुम्हारी कृपा से हमारा सौभाग्य का वरदान हो, हमारी आराधना सम्यक हो, ये निवेदन करना है। और मुंह बंद कर करके सुनना है कि गुरुदेव आपको तथास्तु कह रहे हैं, तीर्थंकर परमात्मा आपको तथास्तु कह रहे हैं। इच्छम, इच्छम ये शब्द अपना नहीं है, इच्छम ये शब्द किसका है? गुरु का है। इच्छा कारिणव के पाठ्य में इच्छम शब्द जो है वो आपका नहीं है, वो किसका है? गुरु ने स्वीकृति दी उस बात का है। और उसके बाद हुज में अरहना सिद्धिमयम तव पसाया ये तव पसाया ये तव पसाया ये। और फिर समूह शरण का ध्यान करते हुए अगली गाथाएं बोलनी है, क्या क्या जीवन की एक मंगल कल्पना के साथ। मित्तवम नायवम होई उच्च गोय वर्णवम अपायं के महापन्ने अभिजाये जसो बोले हुज में तव पसाया ये हुज में तव पसाया ये हुज में तव पसाया। ये निर्वाण कल्याणक के देवे वरदान है, मुझे प्रिय मित्र मिले, सहयोगी परिवारजन रहे, मेरा मन हमेशा उदात्त बना रहे, किसी प्रकार की कोई रोग कोई बीमारी न आए, प्रज्ञाशील बनो, शालीन बनो, यश मिले, बल मिले, तुम्हारी कृपा से, तुम्हारी कृपा से, तुम्हारी कृपा से। जहाँ शंखमीपयम निहम दुहोवि विराये जहाँ शंखमीपयम निहम दुहोवि विराये एवं बाबु सुये भिक्कु धम्मो कीर्ति। हुज में तव पसाया ये हुज में तव पसाया ये हुज में तव पसाया। जैसे शंख में रहा हुआ दूध वैसा मेरा जीवन बने, वैसा मेरा परिवार बने, वैसी मेरी व्यवस्थाएं बने। जहाँ से चाऊरंते चक्रवर्ती माइडिये चौदह सरय नाही वही एवं हवाई बबूस। हुज में तो पसाया ये हुज में तो पसाया ये हुज में तो पसाया। जैसे चक्रवर्ती की रिद्धि होती है, चौदह रत्न संपन्न होता है, वैसा ही मेरा परिवार मेरा घर संपन्न बने। जहाँ से सामाई यानम कोठा घरे सुरखिए नाना धन पड़े पुण्य एवं हवाई बबू सुये। हुज में तो पसाया ये हुज में तो पसाया ये हुज में तो पसाए। हमारा परिवार का प्रेम, हमारे परिवार की सुरक्षा वैसी हो जैसे संघ में सुरक्षित रखा हुआ सारा धान्य सुरक्षित रहता है, वैसे हमारे परिवार की श्रद्धा ज्ञान प्रतिपूर्ण होकर के सुरक्षित रहे।
जहाँ से न गान पवरे सुमह मंदर गिरे नानो सोई पजलिए एवं आवाई हुज में तो पसाया ये। जैसे सुमेरु पर्वत है वैसा हमारा परिवार सुमेरु पर्वत के समान ज्ञान औषधि से संपन्न रहे तुम्हारी कृपा से। एके जिए जिया पंच पंच जिए जिया दस दस हावो जिने तानम सौव सतो जिना हुज में तो पसाया ये। एक को जीत करके पांच को जीत करके दस को जीत करके सबको एक मेरी आत्मा को जीत लेता हूँ तो बाकी सब जीते जाते हैं तुम्हारी कृपा से हो। नमो ते संशयाय सर्वसत्तम हो यही पश्यंतु में। इंद्रभूति गौतम का ध्यान करते हुए तुम सारे संशय के परे हो सारे श्रुत के सागर हो तुम्हारी कृपा हमारे पर निरंतर बनी रहे। अभिवंदिता सिरसा गोयमम तो महायसम पश्यंतु में। अगली गाथा दो गाथा तो अभी हो चुकी आपकी अत्यंत नानस समस पगासनाये अन्न मोहस विभजनाये रागस दोस संखयनम एगंत सौखम सुमेवी मोक्खम हुज्जमे तो पसायाय आहार मिच्छे मे मे सनिजनम सहाय मिच्छे न्यूनत बुद्धिम निकेय मिच्छे ज विवेक जोगम समाहि कामे समने तवसे हुज्जमे तो पसायाय हुज्जमे तो पसाय। अगली गाथा बहुत महत्वपूर्ण है। अचंत निहान खमा सच्चा में भास्या वही अतरेसु तरिंत गे तरी संति अनागया हुज्जमे तो पसायाये हुज्जमे तो पसायाये। ये जो गाथा है इसके प्रति अंतर में एक भाव जन्माना है कि बिल्कुल शत प्रतिशत ये सिद्धिदायी है लाभदायी है ऐसी भाषा है ये। इसके माध्यम से इसके पहले भी कई लोग संसार तिर रहे हैं हम भी तिरेंगे इस विश्वास के साथ। और उसके बाद आपके पास ये कार्ड आए हुए हैं और इसका जो छोटा सा प्रयोग है सिंपल काम है केवल और बड़ा सुंदर काम है। ये पांच स्वस्तिक का ध्यान आपने कैसे करना उस पेपर पर लिखा हुआ है सेंटर में देखना और सेंटर में देखते हुए इसमें लिखा नहीं है लेकिन मैं बोल रहा हूं वो अर्धमाध्यम में बोलते हिंदी में बोल रहा हूं जैसे आपको याद हो जाए। स्वस्तिक और श्रीवत्स का ध्यान करते समय सुपार्श्वनाथाय नमः शीतलनाथाय नमः बोलेंगे। इसका ध्यान मन में करते हुए सेंटर में देखना और सेंटर में देख करके आंख बंद नहीं करनी। सबसे पहले वो नजर अपने गद्दी पर तिजोरी पर मकान पर दुकान पर सब तरफ उसको देखना फिर परिवार के सदस्यों पर देखना। बस देखने का काम करिए बाकी सारा काम स्वस्तिक और शिवस करेगा। इसका प्रयोग सबसे पहले आपके इंदौर में दिया था मैंने वो बहन भी यहाँ पर है सूर्ना ठाकुरिया सबसे पहले उसको इसका प्रयोग दिया था और उसकी अनुभूति उसने ली हुई है इसलिए तीर्थंकर की साधना है इसमें कोई डाउट लेने की आवश्यकता नहीं। और ये सारा होने के बाद फिर आपने धर्मदाय का संकल्प ले और संकल्प लेकर के फिर नमोथुनम का पाठ कर करके विधि को मंगल करें। यह है सिंपल सी सादी सी विधि। इसका सूत्र फिर याद रखिए किसी के दूसरे के करने से तुम्हारा पुण्य बढ़ने वाला नहीं है तुम करोगे तो तुम्हारा पेट भरेगा। तुम ये सोचते होंगे कि किसी को बुला ले वो पूजा कर देगा और उसकी पूजा करने से मेरा कल्याण होगा तो कितनी दक्षिणा देते हैं उसको दक्षिणा कितनी देते हैं 50 रुपये 1500 रुपये। अब 1500 रुपये में माल 1500 का ही मिलेगा 1500 रुपये में कोई को 15 करोड़ का माल मिलने वाला नहीं है लेकिन आप भक्ति पूर्वक करोगे तो ये सारा काम संपन्न होगा।